अस्सलाम वालेकुम अशरफ, सुबह खुश आमदी। बात करेंगे जाने साल के एपिसोड नंबर 39 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा वहाँ पे वो काफ़ी तमाशा करता है, उसको जीजा को काफ़ी बातें सुनाता है। वहीं पे उसे कहती है कि तुम अपने अभी भी साफ की तरफदार, लेकिन जाफिर अभी भी उसके ही हक में बोलता है क्योंकि वो उसका ही वफादार है। वहीं पर वो सच बता देते अपने घर वालों को सुंदर के क्या था, और दूसरी तरफ कशमाना को उसकी सास कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन वो तो मेरे लिए हमेशा ही अहम रहोगी। वहीं घर वाले सब बैठ के बात करते हैं तो कहते हैं ठीक है, उसका बाप कहता है तुम उसे बुला लो। वहीं वो कहता है उसे कि तुम चल के खाना खाओ, तो वो मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ और जाकर उसकी ज़िंदगी की परवाह करो। आने वाले एपिसोड में देखेंगे जब वो जो है उस अपनी सास से बात करी होती है तो वहाँ पर नुशीरा उसकी बातें सुन लेता है। वहीं वो उस लड़की को बुलाते हैं, लाकर उससे बात जब करते हैं तो वहाँ पर वो उसे ये कहता है कि ठीक है तुम अपने घर वालों को भी नहीं ला रहे और तुम ये भी नहीं चाहते कि सुमर की शादी कहीं होते, अगर तुम नहीं ला सकते अपने घर वालों को तो ठीक है हम सुमर की शादी कहीं और कर देंगे। वहाँ पर सुमर भी काफी परेशान से हो जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ फरा के लिए वो एक डिनर अरेंज करता है तो कहती है कि कुछ तो क्या तुम अपने घर वालों को बुला रहे हो। काफी वो खुश होती है, एक्साइटेड होती है, और वो कहता है कि नहीं कुछ खास मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं पे जो है उसका एक्स हस्बैंड उसकी बेटी को लेके आ जाता है, तो वहाँ पे जब वो अपनी बेटी को देखती है उसके उसे माँ करके बुलाती है तो वो उसके तो होश ही फड़ा मैडम की उठ जाते हैं। अब देखना ही आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या अब जो है नौशेरवा अपनी जान छुड़वा लेगा इससे, और दुआ और नौशेरवा के बीच में फरा नाम का कांटा जो है वो खत्म हो जाएगा नहीं। आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।